हाई एवरी वन आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल लेक्चर ऑन एज ऑफ चौसर बिफोर दिस लेक्चर आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑन एज ऑफ चौसर इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कम्प्लीट चौसर एज ए राइटर हाँ आज की इस लेक्चर में हम चौसर एज ए राइटर कम्प्लीट हम इसको डिस्कस करेंगे चौसर के जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और चौसर ने क्या लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया है इन सारी चीजों को हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अगर हम जोफ्री चौसर की बात करें इस एज को एज ऑफ चौसर इसीलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि जोफ्री चौसर इस एज में प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं चौसर वॉज बोर्न इन 1343. इट इज बिलीव्ड ही वॉज बोर्न इन थर्टीन एंड डाइड इन चौसर की जो बर्थ डेट है वो आपको याद करनी है चौसर ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है अगर हम जोफ्री चौसर की बात करें तो उनको क्या क्या टाइटल दिए गए हैं प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट वाई चौसर इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट प्लेजरिस्ट मींस वेन यू इमीडिएट पैराग्राफ और समवंस लाइन किसी की लाइन और पैराग्राफ को कॉपी करना और फिर उसको अपने वर्क्स में इंक्लूड करना उसको बोलते हैं प्लेजरिज्म चौसर ने ऐसा किया है जैसे दांते बोकैसी जो क्लासिकल राइटर हैं इनके एज इट इज जो पैराग्राफ हैं या लाइंस हैं वो उठाकर जोफ्री चौसर ने अपने वर्क्स में लिखी है इसलिए इनको बोला जाता है प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी इनको बोला जाता है जॉन ड्राइडन ने ऐसा बोला है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इनको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को भी चौसर ने इंट्रोड्यूस किया था पिछले लेक्चर में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि चौसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने की और ईस्ट मिडलैंड को जोफ्री चौसर ने सिलेक्ट किया था और उसको कन्वर्ट किया था इंग्लिश में इसलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कंसिडर किया जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी चौसर को बोला जाता है फर्स्ट नेशनल पॉइंट एंड फर्स्ट मॉडर्न पॉइट इतने सारे टाइटल चौसर को दिए गए हैं राइट right? तो ये आपको याद रखने हैं अब हम बात करें चौसर जो है क्या कंट्रीब्यूशन किया है चौसर ने इंग्लिश में राइम दी है देखो चौसर की स्टार्टिंग से ये हैबिट रही है अगर राइम नहीं बनती है तो वो किसी भी वर्ड के पीछे लाइन के एंड में वो ई e लगा देते थे जिससे उसकी राइम बन जाती थी चौसर ने इंग्लिश में राइम दी है हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया है और इसके अलावा राइम रॉयल स्टेंजा ये भी चौसर ने इंट्रोड्यूस किया है जिसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी बी सी सी और उसके अलावा फ्रेम नेरेटिव फ्रेम नेरेटिव क्या होता है स्टोरी विद इन स्टोरी ये वैसे फ्रेम नेरेटिव का जो जोन है वो बोकेशियो ने इंट्रोड्यूस किया था इटालियन पोइट बोकेशियो ने इंट्रोड्यूस किया था अपने वक्त द में लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर की तो इंग्लिश लिटरेचर में फ्रेम नेरेटिव सबसे पहले यूज किया है जोफ्री चौसर ने जॉन ड्राइटर ने इनको बोला है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री राइट और मैथ्यू अब कुछ एक राइटर हैं कुछ क्रिटिक हैं जिन्होंने कमेंट्री की है जोफरी चौसर के बारे में लाइक मैथ्यू आर्नोल्ड ने इनको क्रिटिसाइज किया है इनको प्रेज भी किया है अच्छी क्वालिटी भी बताई है और बुरी भी मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्या बोला है चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस कि चौसर में हाई सीरियसनेस की कमी थी क्यों कमी थी क्योंकि वो जितने भी कैरेक्टर हैं उनका मतलब कोई सीरियस कैरेक्टर हो ठीक है उसका भी उसने मजाक उड़ाया है इसका एग्जाम्पल आप कंटेप्रेरी टेल्स में देख सकते हैं और यह भी बोला इट इज विथ हिम और रियल पोइट्री इज बोर्न कि चौसर के साथ ही हमारी जो रियल पोइट्री है उसका जन्म हुआ है अगर चौसर नहीं होते तो पोइट्री नहीं होती ऐसा बोला है मैथ्यू आर्नोल्ड ने एसी वार्ड ने बोला है कैरेक्टर आर इंडिविजुअल एज एज वेल ऐसी टाइप्स जो चौसर के कैरेक्टर हैं उन्होंने इसकी चौसर की ने क्या किया है जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है लाइक जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दू कैंटरबरी टेल्स में जो नन है नन की स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी उन्होंने बताई है जैसे कि नेजल वॉइस है ठीक है लेटेस्ट फैशन में इन्वॉल्व है इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने का मतलब चौसर का ये नहीं है कि जितनी भी नन है वो सारी करप्ट है इसमें नन को करप्ट दिखाया है लेकिन उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी दी है ताकि दूसरी नन के बारे में ऐसा ना सोचे इसलिए ऐसी वर्ड ने ऐसा बोला है एडमंड स्पेंसर इज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडेफिल्ड इट मीन चौसर इज द प्योरेस्ट पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर एडमंड स्पेंसर ने बोला है उसके बाद हम इनके वर्क्स की बात करें एज ए राइटर चौसर की बात करें तो चौसर ने के जो वर्क्स हैं उसको तीन पीरियड में डिवाइड किया गया है एक फ्रेंच दूसरा इटालियन एंड थर्ड इंग्लिश तीन पार्ट में चौसर के करियर को डिवाइड किया गया है मतलब तीन लैंग्वेज में चौसर ने अपने वर्क्स लिखे हैं सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंच पीरियड की 1359 से 1372 के बीच में फ्रेंच लैंग्वेज में इन्होंने अपने वर्क्स लिखे हैं पहला है द रिमाउंट ऑफ द रोज इट मींस इसका जो इंग्लिश टाइटल है द रिमाउंट रोमांस ऑफ द रोज और इसका जो फ्रेंच टाइटल है रोमन डे रोज राइट इस बुक को ट्रांसलेट किया गया है फ्रेंच वर्क में ले रोमन डे रोज से एंड जीएनडी म्यू एंड ग्लूम डेलोरिस इन दो राइटर्स ने इसको कंप्लीट किया है ये जो रोमाउंट ऑफ द रोज है ये अनफिनिश्ड है कंप्लीट किसने किया ग्लूम डे लॉरिस ने और जीन डे म्यून ने इन दोनों ने इसको कंप्लीट किया है सिर्फ आपको इतना याद रखना है इसके जो फ्रेंच और इटालियन जो वर्क हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो मेजर वर्कस है जोफरी चौसर का वह है द कंटेप्रेरी टेल्स राइट नेक्स्ट है फिर द बुक ऑफ डचिस बुक ऑफ डचिस जो है ये एक एलई की फॉर्म में लिखा गया है एलिजी होती है जो किसी की डेथ पे लिखी जाती है और ये किसकी डेथ पे लिखी लिखी जाती है लिखी गई कहां से बिलोंग करती थी सी बिलोंग्स टू लैंकेस्टर दिस बुक इज एन एलिजी एंड एलिग्री इन नेचर इस बुक को लिखने के लिए चौसर ने ओटावा राइमा का यूज किया है, जो है वो ओटावा राइमा जैसे कि आइम्बिक पेंटामीटर होता है ऐसे ही लिखने की एक फॉर्म होती है पोइट्री की ओटावा राइमा ये इसको यूज किया है लिखने में चौसर ने उसके बाद नेक्स्ट इनका वर्क आता है ट्रिलियस एंड क्रिसिड अगला इटालियन पीरियड शुरू हो जाता है यहाँ से इटालियन पीरियड में लिखा है ट्रिलियस एंड क्रिसिड ये एक ट्रेजिक रोमांस है जोफ्री चौसर ने लिखा इसको कंपोज किया था थर्टीन में और इसको कुछ जो क्रिटिक है उन्होंने फाइनेस्ट वर्क भी कंसिडर किया है चौसर का तो ये किसके बारे में सबसे पहले ये देख लो कि कहां से इसका प्लॉट लिया गया है Bocasio का एक वर्क है इल फिलिस्टेटो यहां से इसका जो प्लॉट है वो लिया गया है और ये लव स्टोरी है किसके बारे में ट्रिलियस के बारे में ट्रिलियस जो कि ट्रोजन किंग का बेटा होता है ठीक है ट्रोजन किंग का बेटा होता है ट्रिलियस एंड क्रिस्डे जो है वो एक विडो डॉटर है ऑफ द डेजर्टर प्रिस्ट प्रिस्ट है कैलचस ठीक है इसकी विडो बेटी है तो इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में है ये और ये जो क्रिसिड है, है ये इसको डिसीव कर देती है इसको धोखा दे देती है और ये जो ट्रेलियस है वो ट्रोजन वॉर में लड़ने के लिए चला जाता है और जब ये लड़ने के लिए जाता है तो बाद में उस ट्रोजन वॉर में इसकी डेथ हो जाती है ठीक है अब ये जो किसके साथ ये धोखा करती है डिओमिट्स ठीक है डिओमिट्स से प्यार हो जाता है किसको इस क्रिसिडे को और ये जो ट्रिलियस है ये वॉर में मारा जाता है डिस्पेयर में ठीक है इस तरह से वो इसको डिसीव करती है लेकिन इसमें एक कैरेक्टर है इंपॉर्टेंट पेंडारस इस कैरेक्टर का नाम याद रखना पेंडारस वाज द फर्स्ट कॉमिक कैरेक्टर फर्स्ट कॉमिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस पाए जोफरी चौसर चौसर का पहला कैरेक्टर है ये जिसको कॉमिक कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है फर्स्ट कॉमिक कैरेक्टर और ये क्रिशिडे का अंकल होता है इसमें ठीक है आगे है उसके बाद द पार्लियामेंट ऑफ द एटी 1382 में लिखा गया है बेस्ट ओकेजनल वर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज ओफन थॉट टू बी कॉम्रेड द मैरिज ऑफ रिचर्ड इसको कंपोज किया गया है रिचर्ड सेकंड और एन एफ बोहेमिया इनकी मैरिज पे यानी कि रिचर्ड सेकंड की रिक्वेस्ट पे इसको लिखा गया है और इसको किसको डेडिकेट किया गया है रिचर्ड सेकंड को और एन ऑफ बोहेमिया को इनको डेडिकेट किया गया है ठीक है और इसमें सेंट वेलेंटाइन डे का रेफरेंस भी मिलता है जब जो लव बर्ड्स हैं वो इस दिन अपनी मेट को चूज करते हैं वो मिलते हैं ठीक है ये सेंट वेलेंटाइन वाला भी आपको याद रखना है ये रेफरेंस ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है इनको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं उनको याद कर लेना नेक्स्ट उसके बाद आता है हाउस ऑफ फेम हाउस ऑफ फेम जो है वो इन्फ्लुएंस होके लिखा है दांते से इन्फ्लुएंस ऑफ दांते इट हैज द रिजेंस ऑफ दांत डिवाइन कॉमेडी दांते की डिवाइन कॉमेडी से ये मिलता जुलता है ये अनफिनिश्ड ड्रीम है ड्रीम विजन पोएम है चौसर की अनफिनिश्ड राइट right? उसके बाद द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन थर्टीन एटी फाइव इसको जो बोहेमिया है हु आस्क हिम टू राइट ए गुड वुमेन ये गुड वुमेन के बारे में लिखने के लिए बोलती है और ये दस गुड वुमेन के बारे में स्टोरी लिखी है वुमेन इन नाइन सेक्शन ठीक है नो सेक्शन में लिखी गई है दस वुमेन की स्टोरी है ये, और जैसे कि इसमें वुमेन के नाम दिए गए हैं जैसे क्लियोपेट्रा है थीस्बी डिडो मीडिया फिलोमिला एंड ठीक है ये नौ सेक्शन में स्टोरी लिखी गई है दस वुमेन के बारे में है लेकिन आपको ये नाम याद नहीं करने हैं ठीक है सिर्फ इतना याद रखना है कि दस वुमेन के बारे में है नाइन सेक्शन में कंपोज की है द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन गुड वुमेन के बारे में है उसके बाद आता है इंग्लिश पीरियड ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में इसमें एक वर्क लिखा गया है द कैंटरबरी टेल्स इसको हम कंप्लीट करेंगे अभी जो कैंटरबरी टेल्स है वो 1388 में लिखा गया था डेट इसकी इंपॉर्टेंट है ये याद रखना बाकी चौसर के किसी भी वर्क की डेट आपको याद नहीं रखनी है सिर्फ द कैंटरबरी टेल्स की डेट अच्छे से याद करनी है थर्टीन में इसको लिखा गया था चौसर ने वन ट्वेंटी में लिखने की प्लानिंग की थी लेकिन चौसर की डेथ हो जाती है कितनी स्टोरी को कंप्लीट कर पाता है चौसर 24 इसमें 24 स्टोरीज हैं राइट right? और ये किस पे बेस्ड है बोकेशियो का एक वर्क है द डी कैमरोन डी कैमरोन फ्रेम नैरेटिव का एग्जांपल है और ये इसी पे बेस्ड है फ्रेम नैरेटिव फ्रेम नैरेटिव अभी मैंने आपको बताया था फ्रेम नैरेटिव जो है वो होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें एक स्टोरी के अंदर बहुत सारी और स्टोरीज को नरेट किया जाता है और इसको स्टार्ट किया था किसने बोकैसियो ने इंग्लिश में स्टार्ट किया था जोफ्री चौसर ने ठीक है 120 स्टोरी लिखने की प्लानिंग थी लेकिन चौसर की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से यह अनफिनिश्ड रहता है इसमें ट्वेंटी फोर स्टोरीज ही कंप्लीट चौसर कर पाया था अब हम बात करें अगर ये अभी मैं एक बार कुछ इसके बारे में और बता देता हूं आपको जो चौसर ने टोटल इसमें ट्वेंटी फोर स्टोरी लिखी है अब इनका टारगेट क्या है ये एक पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं कहां पे जाएंगे थॉमस ए बैकेट की श्राइन पे थॉमस ए बैकेट की श्राइन पे जाएंगे ये लोग ठीक है अपनी पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं अब इनके साथ कौन है ट्वेंटी नाइन प्योर पिलग्रिम है इसमें ट्वेंटी नाइन प्योर पिलग्रिम्स हैं एक खुद चौसर है जो कि नरेटर भी है और एक है इनके साथ हैरी बेली जो कि होस्टिंग करने वाले हैं यह है होस्ट तो हम कह सकते हैं राउंड राउंड अबाउट जो है इसमें थर्टी पिलग्रिम्स हैं एंड हैरी बेली केम विद द आइडिया ईच पिलग्रीम टेल फोर स्टोरीज एक पिलग्रीम कितनी कहानी सुनाएगा चार दो स्टोरी आते टाइम नरेट करेगा और दो स्टोरी जाते टाइम नरेट करेगा ठीक है ये इनका डिसाइड हुआ था अब इसमें जो स्टोरी है ट्वेंटी फोर स्टोरी है इसमें से कंप्लीट जो है वो बाइस स्टोरीज है ठीक है बाईस स्टोरीज इसमें कंप्लीट हैं और दो जो है वो अनकंप्लीट है दो अनकंप्लीट हैं। अब अनकंप्लीट कौन कौन सी है इसको लिख लो एक तो चौसर की खुद की टेल है जो अनकंप्लीट है टेल ऑफ सर थोपास एक तो ये अनकंप्लीट है और एक है द कुक टेल एक कुक की टेल है जो मात्र 58 लाइन में लिखी हुई है ये दो स्टोरी जो है वो अनकम्प्लीट है ठीक है अब इसमें देखो टोटल नरेटर कितने हुए चौसर ने दो स्टोरी नरेट की है एक तो टेल ऑफ सर थोपास और एक स्टोरी नरेट की है चौसर ने टेल ऑफ मेलिबी टेल ऑफ मेलिबी ये दो स्टोरी जो है वो चौसर ने नरेट की है इसलिए इसमें कितने नरेटर हुए चौसर ने दो की है और बाईस नरेटर और हो गए तो मतलब तेईस नरेटर हो गए टोटल ट्वेंटी थ्री नरेटर एंड ट्वेंटी फोर स्टोरीज ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है थीका? ये चीजें आप याद रखना ट्वेंटी थ्री नरेटर है ट्वेंटी फोर स्टोरीज है ट्वेंटी टू स्टोरी जो है वो कंप्लीट है दो अनकम्प्लीट है और अनकम्प्लीट कौन कौन सी है एक टेल ऑफ सरथोपास और दूसरी जो है वो कुक वाली टेल है ठीक है अब दो इसमें से ऐसी स्टोरी है जो प्रोज में लिखी गई है प्रोज में लिखी गई है दो स्टोरी और बाकी की जो स्टोरी है वो वर्स की फॉर्म में लिखी गई है एक तो ये टेल ऑफ मेलेबी वाली है और एक द पार्सन टेल पार्सन टेल राइट right? ये दोनों स्टोरी है जिसको प्रोज में लिखा गया है बाकी की स्टोरी जो है वो वर्स की फॉर्म में लिखी गई है यानी कि पोइट्री की, की फॉर्म में लिखी गई है यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अगर हम बात करें इसकी ओपनिंग लाइन की शुरुआत कैसे होती है वेन दैट वेन दैट अप्रैल इज द मंथ ऑफ Is the month of स्टोरी ये जो है ओपनिंग लाइन है मंथ ऑफ सावरसूद इट स्टार्ट विद ऑफ अप्रैल इसमें क्या बोला है इसने चौसर बोल रहा है कि अप्रैल का जो महीना है वो सावरसूद इट means रीबर्थ का मंथ है नए जो पेड़ पौधे हैं उनपे नई कोपले आती है नए फूल खिलते हैं इट मीन रीबर्थ का मंथ है और इसी के रेफरेंस में आपको एक इंपॉर्टेंट याद करना है टी एस एलियट ने टी एस एलियट ने एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा है द वेस्टलैंड द वेस्टलैंड इसी तरह की लाइन यूज की है लेकिन अपोजिट वे में उसमें इसने बोला है दैट अप्रैल इज द मंथ ऑफ सावरसूद लेकिन एस एलियट ने की जो वेस्टलैंड है उसकी ओपनिंग लाइन है अप्रैल इज द मंथ टाइम हैज बीन चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टाइम अब बदल चुका है इतने समय से अब जो मंथ है अप्रैल का महीना जो है वो क्रूअल हो गया है क्योंकि लोग जो है हम जिस तरीके से नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग कितने सेल्फिश हो गए हैं सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं पूरी की पूरी थीम जो है इसकी बैरननेस पे लिखी गई है डेडनेस पे लिखी गई है तो अब इसमें वेस्टलैंड में टीएस टीएस एलियट बोलता है अप्रैल इज द मंथ सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रेफरेंस यू मस्ट रिमेंबर अब हम बात करते हैं स्टोरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और रहे थे जैसे कि इसमें जो कैरेक्टर है किसको प्रेज किया है चौसर ने ठीक है किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है अब चार ऐसे कैरेक्टर हैं जो प्रेज किए हैं चोसर ने वो चार कौन कौन से हैं एक नाइट है नाइट फोर्ट फॉर द सेक ऑफ रिलीजन रिलीजन के लिए लड़ा इसलिए नाइट को प्रेज किया है पार्सन इज ए कॉमन मैन ऑफ चर्च ये कॉमन मैन है चर्च का ओनेस्ट है अपनी ड्यूटी के लिए इसलिए पार्सन को प्रेज किया है क्लर्क क्लर्क आपको स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड भी मिल सकता है क्लर्क की जगह में क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड या स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यह अपनी स्टडी के लिए काफी ज्यादा डेडिकेट है इसलिए चौसर ने इसको प्रेज किया है और बहुत ज्यादा गरीब हो गया है ये क्योंकि इसने बहुत सारी किताबें खरीद ली है ठीक है प्लोमेन प्लोमैन जो है ये एक पीजेंट है है अपने टैक्स जो है वो रेगुलरली पे करता है ये ठीक है तो इन चारों को चौसर ने प्रेज किया है क्लर्जीमैंस है कुछ कैरेक्टर हैं जो क्लर्जीमैंस है कौन कौन से है क्लर्जीमैन है एक तो प्रोरिस है मैडम एग्लेंटाइन नाम है उसका एक पार्सन है एक फ्रायर है एक मोंक है ये जो चार कैरेक्टर हैं, ये क्लर्जीमैन हैं और तीन कैरेक्टर ऐसे हैं जो मिलिट्री क्लास से बिलोंग करते हैं रॉयल क्लास से बिलोंग करते हैं जिसमें से एक नाइट है दूसरा स्क्वायर है नाइट का बेटा है वो और तीसरा योमैन है ये तीन जो कैरेक्टर हैं वो रॉयल क्लास से बिलोंग करते हैं ठीक है तो ये पॉइंट्स ऐड कर लेना इसमें अब हम एक एक जो स्टोरी है उसको डिस्कस करेंगे अब देखिए हैरी बेली ने क्या डिसाइड किया था कि जो भी बेस्ट स्टोरी टेलर होगा जो सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा उसको जो रात का भोजन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा उसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा ठीक है अब देखो बेस्ट स्टोरी टेलर कौन होने वाला है सबसे पहले स्टोरी नैरेट करता है नाइट नाइट इज द फर्स्ट स्टोरी टेलर एंड नाइट इज द बेस्ट स्टोरी टेलर ये सबसे पहला ही है जो सबसे बेस्ट स्टोरी को नैरेट करता है अब देखिए ये किसकी स्टोरी को नरेट करता है इसकी जो स्टोरी है वो बोकेशियो की एक शॉर्ट स्टोरी है टेसिडा टेसिडा यहां से ये स्टोरी ली गई है और ये स्टोरी किसके बारे में है शुरुआत होती है इसकी थीसियस ड्यूक होता है थीसियस जो एथेंस का ड्यूक है और वो अमेजन नाम की जो जगह है उसको जीत लेता है और अमेजन की जो क्वीन है हिपोलिटा उससे शादी कर लेता है अब जब वो वापिस लौट रहा होता है तो वो देखता है नाम नाम की की एक जगह है वहाँ पे, ठीक है? नाम की जगह है 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 वहां वहां पे पे ठीक कुछ वुमेन जो है वो रो रही है अब वो उनसे जाके पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो तो वो वुमेन उनको बताती है कि यहाँ का जो किंग था क्रियोन क्रियोन नाम है उस किंग का जो किंग था इसने क्या किया इनके जो हस्बैंड है उनको मार दिया और अब मारने के बाद उनकी डेड बॉडी नहीं दे रहा है तो वो लोग क्या करते हैं अब ये क्रियोन से जाता है मिलने बातचीत करने क्रियोन उनकी डेड बॉडी नहीं देता है तो इसके बाद उन दोनों में फाइट होती है लड़ाई होती है और लड़ाई में अब इसकी लड़ाई में जो क्रियोन और स्थीसीस की लड़ाई होती है इसमें ये क्रियोन को मार देता है और इनकी जो डेड बॉडी जितनी भी पूरी लाशों का ढेर लगा रखा था इसने तो वो एक एक करके वो कहता है कि तुम अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को पहचान के यहां से लेके जा सकते हो अब लेके जाने के बाद ये क्या करता है इनमें से जो ढेर था लाशों का जो ढेर था उसमें दो लोग जिंदा होते हैं और वो दो लोग थे एलमेन एंड पैरसाइट ये नाम है उनके आरसाइट और पैलेमेन एक पैलेमेन है और दूसरा है आरसाइट ये दो लोग जिंदा होते हैं और वो इन दोनों लोगों को अपने साथ ले जाता है और वो महल में रहते हैं उनको कुछ खाने पीने के लिए दिया जाता है तो अब वहां क्या देखते हैं एक जो ये हिपोलिटा है इसकी बहन होती है एक छोटी जिसका नाम है एमिली और इस एमिली से उन दोनों को प्यार हो जाता है ठीक है दोनों भाइयों को पैलमैन को भी और आर साइड को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है ये वैसे कभी भी आपस में लड़ते नहीं थे ठीक है पहले तो किंग बोलता है ये थेसियस की इनको मार दो लेकिन हिपोलिटा बोलती है कि नहीं इनको मारना नहीं है इन दोनों भाइयों में से जो ताकतवर होगा उसकी हम एमिली के साथ शादी करवा देंगे अभी इनको टाइम दिया जाता है सोल्जर दिए जाते हैं कि तुम अपनी जो ताकत है वो कुछ टाइम के लिए अपनी ताकत को इकट्ठा करो और आपस में फिर तुम्हारी एक लड़ाई होगी और जो जीतेगा उसकी शादी होगी एमिली के साथ अब एक टाइम आता है और दोनों की लड़ाई होती है फाइट में ये जो आरसाइट और पेलेमन है इन दोनों की फाइट में आरसाइट जीत जाता है लेकिन बुरे तरीके से घायल हो जाता है और फिर ये जब घोड़े पे जा रहा होता है तब ये गिर जाता है ठीक है और गिरने से इसकी डेथ हो जाती है आर आरसाइट की लेकिन आर आरसाइट सजेस्ट करता है कि एमिली को जो पैलमेन है इससे अच्छा हस्बैंड जो है वो नहीं मिल सकता इसलिए तुम इसकी शादी पेलेमैन से करवा दो और पेलेमेन से फिर इसकी शादी हो जाती है ये स्टोरी है मिलर की ठीक है थीबियन नाइट्स के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कहां से स्टोरी ये स्टोरी जो है वो ली गई है बोकेशियो की शॉर्ट स्टोरी टेसिडा से इसको लिया गया है ठीक है उसके बाद आती है नेक्स्ट सेकंड जो स्टोरी है यह है मिलर की स्टोरी सेकेंड स्टोरी टेलर मिलर है मिलर जो है और इसके बाद आता है रीव ये दोनों क्वाइट टेल है क्वाइट टेल का मतलब होता है जो एक दूसरे के रिस्पॉन्स में लिखी जाती है उनको बोलते हैं क्वाइट टेल ठीक है और ये दोनों स्टोरी जो है वो काफी ज्यादा वलगर है इसलिए चौसर ने खुद ये बात बोली है कि अगर रीडर इसको पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले इसमें बहुत सारे डर्टी जोक्स हैं ठीक है डबल एंत एंतरे डबल मीनिंग बातें की गई है इसलिए चौसर ने खुद बोला है कि रीडर अगर ना पढ़ना चाहे तो इससे जंप कर सकता है नेक्स्ट स्टोरी पे लेकिन थोड़ी सी डिटेल में आपको इसकी बता देता हूं ये जो स्टोरी है मिलर वाली यह निकोलस और एक निकोलस के बारे में है और एक लड़का और है ठीक है एक जोन है इसमें नहीं जोन इसका हस्बैंड होता है ये एलिसन की स्टोरी है एलिसन का हस्बैंड होता है जोन ठीक है और ये ये जो जोन होता है कारपेंटर है ठीक है तो और रीव जो है ये भी एक कारपेंटर है तो ये एक किसकी स्टोरी सुनाता है कारपेंटर की स्टोरी सुनाता है और इस कारपेंटर की स्टोरी में जो कारपेंटर की वाइफ होती है उसको जो ऑक्सफोर्ड से दो क्लर्क आते हैं और वो दोनों इसकी वाइफ को सड्यूस करते हैं ठीक है इस तरह से इंसल्ट की गई है इस स्टोरी में किसकी कारपेंटर की कारपेंटर रियल में जो कारपेंटर है वो कौन है रीव है जो अगला स्टोरी टेलर होगा ठीक है तो इसको लगता है कि इसने मेरे मेरा जो प्रोफेशन है उसका मजाक उड़ाया है और मजाक उड़ाया है तो इसके बदले में मैं अब अपनी स्टोरी को नरेट करूंगा तो अगली स्टोरी ये सुनाता है इसको एक बार बेसिक आप पढ़ लेना उसके बाद आती है इसकी रीव की टेल ठीक है एज मिलर टोल्ड द टेल अबाउट ए कारपेंटर कारपेंटर की स्टोरी सुनाता है तो उसमें लगता है रीव वॉज ऑल्सो डूइंग कार्पेंट्री रीव भी कार्पेंट्री करता है तो इसको क्या लगता है कि इसने मेरे प्रोफेशन का मजाक उड़ाया है तो अब मुझे बदला लेना है इसे तो अब वो किसकी स्टोरी सुनाता है एक मिलर की ठीक है मिलर रीव टेल्स द स्टोरी ऑफ टू स्टूडेंट जोन एंड एलियन इनकी स्टोरी सुनाता है जोन की और एलियन की दे गो टू द मिलर टू वॉच हिम ग्राइंडिंग द कॉर्न ये दोनों जाते हैं मिलर के पास जाते हैं अपना जो कॉर्न है उसको ग्राइंड करवाने के लिए तो ये मिलर की क्या आदत होती है ये हर किसी का आटा जो है वो चुरा लेता है तो ये उसके पास बैठ जाते हैं दोनों जाके कि अब हम देखेंगे कि ये कैसे हमारा जो आटा है वो चुराएगा तो मिलर क्या करता है बीच में उठ के जाता है बाहर और उसने क्या किया जो बाहर उनका घोड़ा बंधा हुआ था इनका जॉन और एल इनका इनका घोड़ा खोल देता है घोड़ा खोलने के बाद घोड़ा जंगल की तरफ भाग जाता है और ये दोनों घोड़े को पकड़ने के लिए जाते हैं और पीछे से मिलर जो है इनका आटा चुरा लेता है जब ये वापस आते हैं तब तक शाम हो गई थी और शाम होने के बाद बिल्कुल अंधेरा हो गया था तब ये दोनों जोन और एलन ये डिसाइड करते हैं कि ये दोनों इसके घर पे मिलर के घर पे ही रुकेंगे यहीं पे जो अपनी नाइट है वो स्पेंड करेंगे और रात को इसमें से जोन और एलन ये दोनों एक मिलर की वाइफ को सड्यूस करता है और एक मिलर की डॉटर को सड्यूस करता है इस तरह से ये स्टोरी सुनाकर अपनी जो इसकी जो बेजती हुई थी जो इंसल्ट की थी उसका बदला लेता है ठीक है इसलिए ये दोनों जो टेल है वो क्वाइट टेल है नेक्स्ट स्टोरी आती है कुक की कुक का नाम है रोजर इंजॉइंग रिव्स टेल एंड ऑफर टू टेल अनदर फनी टेल द टेल इज अबाउट एन अप्रेंटिस नेम्ड पार्किन ज्यादा से ये डिटेल में मत पढ़ना एक याद रखना बस ये अनफिनिश्ड है ठीक है अनफिनिश्ड स्टोरी है सिर्फ 58 एट की स्टोरी है शॉर्टेस्ट टेल भी इसको काउंट किया जाता है कुक टेल इज द शॉर्टेस्ट टेल ठीक है नेक्स्ट है इसके बाद वाइफ ऑफ बाथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेल है वाइफ ऑफ बाथ टेल इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये कहां से शुरू होती है स्टोरीज की किंग आर्थर के किंगडम से पहले तो ये जो वाइफ ऑफ बात है इसने पांच बार शादियां की है और इसका जो फिफ्थ हस्बैंड है उसका नाम है जोनकिन ये इसका फिफ्थ हस्बैंड है और जो इसका प्रोलोग होता है स्टार्टिंग में इंट्रो में ही अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती है ये जो लोग इसके अगेंस्ट है ये मानती है कि हमें एक से ज़्यादा शादियां कर लेनी चाहिए और जो लोग ऐसा नहीं मानते उनके साथ ये बहस कर रही है और पूरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही है तो जब इसको पूछा जाता है कि तुमने इतनी शादियां क्यों की तो फिर वो बोलती है कि मैंने इसलिए की क्योंकि मैं एक्सपीरियंस अपना करना चाहती हूँ कि अलग अलग जैसे शादी करते हैं तो हमें क्या नई चीज़ें सीखने को मिल सकती है ठीक है इस तरह से ये अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती है और इसका जो फिफ्थ हस्बैंड है ये इसकी एज का ऑलमोस्ट हाफ है मतलब अगर इसकी एज फोर्टी है तो इस लड़के की एज जोनकिन की एज जो है वो बीस साल के आसपास है ठीक है और ये कहाँ मिला था इसको जब इसके फोर्थ हस्बैंड का फ्यूनरल होता है अंतिम संस्कार होता है तब वहां पे इसको ये जोनकिन पसंद आता है और उसके साथ ये शादी कर लेती है और इसने एक मैसेज और भी दिया है हाउ टू कंट्रोल देयर हस्बैंड कि एक वुमेन जो है वो अपने हस्बैंड को कैसे कंट्रोल कर सकती है उसमें स्टोरी में क्या दिखाया गया इसमें प्रोलॉग में कि एक बार ये जो जोन है ये कुछ किताब या न्यूज़ वगैरह पढ़ रहा था और उसमें बहुत तेज़ तेज आवाज़ में बोल के पढ़ रहा था वुमेन को कंट्रोल करने की बात कर रही थी उसमें इसमें यह जुन कर रहा था तो ये उसके पास जाती है और दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है लड़ाई में ये जनकिन उसको स्लैप करता है और उस थप्पड़ मारने की वजह से ये जो वाइफ ऑफ बात है वो बहरी हो जाती है डेफ कैरेक्टर है फिजिकल डिफॉर्मिटी का भी एग्जांपल है यहाँ पे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चौसर के जो कैरेक्टर है कंटेप्रेरी टेल्स में कौन सा कैरेक्टर डेफ है तो ये वाइफ ऑफ बाथ जो है वो बहरी हो जाती है और जमीन पे गिर जाती है प्रिटेंड करती है बेहोश होने की तो अब वो सोचता है जुनकिन को लगता है कि ये तो मर गई है तो वो जाके उसकी जो हार्ट बीट है वो सुनने की कोशिश करता है जैसे अपने ईयर को उसके पास लेके जाता है तो वो उसको रैप कर लेती है रैप करके और नीचे जमीन पे गिरा देती है और दो तीन पंच मारती है उसके मुंह पे और ऐसे बोलती है कि इस तरह से वुमेन जो है अपने हस्बैंड को कंट्रोल कर सकती है अब इसकी स्टोरी की बात करते हैं यह स्टोरी सुनाती है किंग आर्थर के का जो किंगडम है जो कोर्ट है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और उसमें एक नाइट होता है नाइट एक यंग मेडन का रेप कर देता है और इस रेप के बदले में उसको डेथ पनिशमेंट दी जाती है लेकिन क्वीन बोलती है कि तुम्हें एक ऑफर मिलता है ठीक है एक अपॉर्चुनिटी हम दे सकते हैं तुम्हारी जान बच सकती है तो वो पूछता है कि बताइए कैसे मैं अपनी जान बचा सकता हूँ तो वो कहती है कि मैं एक क्वेश्चन है मेरा अगर तुम इसका सही आंसर दे पाते हो तो तुम्हारी जान जो है वो बख्श दी जाएगी अब वो पूछती है कि क्वेश्चन क्या है ये पूछता है उससे वो बोलती है कि एक वुमेन की मोस्ट वांटेड डिजायर जो है वो क्या होती है तो वो बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन था वो पूछने के लिए अलग अलग उसको टाइम दिया जाता है स्पेसिफिक कि तुम कहीं से भी इसका आंसर जो है वो ढूंढ सकते हो तो अलग अलग जगह पे जाता है बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं लेकिन कोई भी आंसर सेटिस्फेक्शन वाला नहीं था तब इसको एक ओल्ड वूमेन मिलती है वो बूढ़ी औरत उसको बोलती है कि मैं तुम्हें इसका सही आंसर बता सकती हूँ ठीक है लेकिन एक कंडीशन पे बदले में तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी बहुत ही ओल्ड वुमेन थी बदसूरत थी तो वो सोचता है कि जान जाने से अच्छा है कि मैं इससे शादी कर लूंगा तो कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा तो मुझे सही आंसर इसका बता दो तो वो बोलती है कि एक वुमेन की जो मोस्ट वांटेड डिज़ायर होती है कि उसका जो हस्बैंड है उसके कंट्रोल में रहे उसकी हर बात माने और उसके लिए हमेशा लॉयल रहे तो वो ये वाला आंसर जो है वो क्वीन को बताता है जाके कि एक वुमेन की मोस्ट वांटेड डिज़ायर होती है कि उसका हस्बैंड उसके कंट्रोल में रहे और हमेशा उसके लिए लॉयल रहे उसकी बातें माने उसकी बातें सुने तो कहती है कि तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है और इस यंग नाइट की जो जान है वो बक्स दी जाती है अब ये वापस उस ओल्ड वुमेन के पास जाता है जैसे कि उसने कंडीशन रखी थी कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं मेरी जान बच गई है तो वो ओल्ड वुमेन उसको बोलती है अब अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है या तो तुम एज इट इज मुझे एक्सेप्ट करो जैसे मैं बूढ़ी दिखती हूँ ठीक है और बदसूरत दिखती हूँ अगर तुम एज इट इज मुझे एक्सेप्ट करते हो तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए लॉयल रहूंगी दूसरा ऑप्शन है अगर तुम मैं एक बहुत ही सुंदर लड़की बन सकती हूँ अपना भेष बदल सकती हूँ सुंदर लड़की बन सकती हूँ लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए डिसलॉयल रहूंगी तो वो नाइट उसको बोलता है कि मुझे लॉयल्टी चाहिए तुम जैसी भी हो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं मैं शादी करने के लिए तैयार हूं लेकिन मुझे लॉयल्टी चाहिए और इससे वो खुश हो जाती है वो ओल्ड वुमेन और वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती है एक बहुत ही सुंदर लड़की बन जाती है उसका आंसर सुन के वो खुश होती है और जैसी वो ट्रांसफॉर्म करती है तब वो उसको बोलती है कि अब तुम्हें मैं इस तरह से यंग और ब्यूटीफुल भी रहूंगी तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए लॉयल भी रहूंगी ठीक है ऐसे बोल के इस स्टोरी की एंडिंग होती है और वो उससे शादी कर लेती है ये है इसकी स्टोरी वाइफ ऑफ बात की नेक्स्ट जो टेल आती है समनर टेल समनर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई है ये भी आपको याद करनी है इसका फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाल है और इसके फेस पे धब्बे हैं सेमिनर सेमिनर इज ऑफिसर चर्च का ऑफिसर है अगली है काफी भद्दा दिखता है और बच्चों को डराता रहता है रेड कॉम्पेक्शन पिंपल्स एंड बॉयल्स एंड स्किन इन्फेक्टेड विद स्काल्स ठीक है उसका चेहरा बिल्कुल लाल है और बड़े बड़े धब्बे हैं उसके चेहरे पे ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि कौन सा कैरेक्टर है ऐसा जिसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ठीक है स्टोरी की शुरुआत होती है फ्रायर बैग्स फॉर मनी फ्रॉम ए डाइंग मैन नेम्ड थॉमस थॉमस से पैसे मांगता है एक डाइंग मैन है और उसकी वाइफ जो है जिसने अभी अभी अपने बच्चे को खो दिया है ठीक है और सेमलेसली एक्सप्लॉइट करता है इन लोगों को दोनों को मिस फॉर्च्यून टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम देम ठीक है इसको कोई मतलब नहीं है इसको चाहिए पैसा सिर्फ ठीक है इसको सिर्फ पैसे से मतलब है फेमस इसमें लाइन है समनर वुड लैंड हिज Conchubine. Conchubine means mistress. मींस मिस्ट्रेस mistress to मिस्ट्रेस टू a फॉर ए क्वार्ट ठीक है एक एक वाइन के एक क्वार्टर के लिए वो अपनी मिस्ट्रेस जो है वो भी उधार दे देता है इस तरह का आदमी है ये ठीक है और गार्लिक इसको बहुत ज्यादा पसंद है ग्लटनी वाली बीमारी है इसको अनकंट्रोल्ड फूड ठीक है और गार्लिक इसका फेवरेट है कुछ खास इंपॉर्टेंट है सिर्फ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लेना उसके बाद यह स्टोरी भी इंपॉर्टेंट है क्लर्क की इसको चौसर ने प्रेस भी किया है काफी ज्यादा अब इसको बोलता है होस्ट कि तुम स्टोरी को नरेट करो और इसकी स्टोरी जो है इटालियन पोएट पैटाज से ली गई है ये एक स्टूडेंट है ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक स्टूडेंट है ये

तो ये उसको उठा के ले जाता है और बोलता है कि तुम कुछ नहीं बोलोगी मैं जैसा करूंगा मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा तो ग्रिसिल्डा बिचारी कुछ नहीं बोलती है सब कुछ चुपचाप सहन करती है ठीक है इंपॉर्टेंट यहां पे अगर हम चीजों को रिलेट करें रेफरेंस यहां पे सेम आपने महाभारत में देखा होगा महाभारत में ऐसा कौन सा रेफरेंस था गंगा की शादी होती है किंग शांतनु से ठीक है गंगा शर्त रखती है जिस दिन भी तुम बोलोगे मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी मैं अपनी मर्जी से सब कुछ करूंगी ठीक है इसी तरह से ये इसको टॉर्चर करता है तो जैसे पहला बच्चा होता है जब शांतनु और गंगा का तो गंगा उस बच्चे को उठा के ले जाती है और गंगा में बहा देती है ऐसे ही दूसरे को तीसरे को ऐसे करती है वो लेकिन ये क्या करता है ये इसके दो बच्चे होते हैं दोनों को पहला बच्चा होता है उसको ले जाता है दूसरा एक बेटी होती है उसको भी ले जाता है लेकिन ये चुपचाप सहन करती रहती है बीच में भी इसको धमकियां देता है मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा दूसरी शादी कर लूंगा ठीक है तो ये सब कुछ बेचारी चुपचाप सहन करती रहती है और फिर 18 बीस साल बाद ये अपने घर में एक लड़की को लेकर आता है और बोलता है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है ये मेरी नई वाइफ है तब भी वो बेचारी चुपचाप सब कुछ सहन कर जाती है जिससे और ये इतना कुछ सहन करने के बाद वोल्टर खुश होता है कहता है कि मैं तुम्हारी लॉयल्टी को टेस्ट कर रहा था तुम मेरे लिए कितनी लॉयल हो कितना पेशेंस है तुम्हारे अंदर कितना तुम सहन कर सकती हो मैं सिर्फ ये चीज़ें देखना चाहता था ये जो मैं लड़की को लेकर आया हूँ ये मेरी वाइफ नहीं है ये हमारी बेटी है जिसको मैं इतने साल पहले यहाँ से लेके गया था तो उस अपनी बेटी को देख फिर ये ग्रेसिलडा काफ़ी खुश होती है ठीक है इस तरह से क्या किसी को टेस्ट करना सही है एंशेंट टाइम में ऐसे टेस्ट होते थे ठीक है लेकिन गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए ग्रिसल्टा की बेचारी की पूरी लाइफ जो है वो चली गई ठीक है ये स्टोरी है किसकी क्लर्क की उसके बाद नेक्स्ट टेल आती है प्रोयरिस वर्जिन मैरी इसको गाइड करने के लिए ये प्रोरिस कॉल करती है कि मैरी वर्जिन जो है वो उसको गाइड करे एक टेल को सुनाने के लिए ठीक है और ये टेल सुनाती है क्रिश्चियन स्कूल लोकेटेड है कहां पे जूविस जहां पे बहुत सारे जू रहते हैं और इसमें एक लड़का होता है सात साल का लड़का है ये ठीक है और वो उसको स्कूल अटेंड करना है वो किसी फंक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो एक गाना गाता है और वो क्या गाता है एल्मा ओ एल्मा रिडब्सन ओ एल्मा रिडपसन ऐसे करके वो एक गाना गा रहे हैं लेकिन ये जो गाना है ये क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करता है ठीक है लेकिन वो गा कहां पे रहा था जहां पे चारों तरफ जूज थे यहूदी ही यहूदी थे ठीक है इस तरह से वो गा रहा था तो वो चिढ़ जाते हैं इस लड़के से और वो इस बच्चे को मार देते हैं और इसको मारने के बाद एक पास में ही एक टॉयलेट होता है वहाँ पे इसको फेंक दिया जाता है ठीक है लेकिन बहुत ढूंढने के बाद इस बच्चे का जो डेड बॉडी है वो नहीं मिलती है तो बाद में क्या होता है उसके मरने के बाद भी उसकी जो गूंज है वो सुनाई देती है मरने के बाद भी वो सॉन्ग ओ एल्मा एल ओ एल्मा रिडप इस तरह की आवाज सुनाई देती है और उस गूंज की हेल्प से ही उस बच्चे की डेड बॉडी को वहां से रिकवर किया जाता है तो यहां पे क्रिश्चियनिटी की पावर को दिखाने की कोशिश की है जोफरी चौसर ने ठीक है ये स्टोरी किसकी है प्रयोरिस्टेल इसमें ये याद रखना एक ये ब्रूच पहन रखती है मैडम एगलेंटाइन नाम है इसका इंस्क्रिप्शन विंसिट इट स लव कंकर्स ऑल। ये इसकी थीम है लव कंकर्स ऑल। या इसका सब भी हम ले सकते हैं इसको टेल का सब है लव कंकर्स ऑल। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट टेल ऑफ सर थोपास सर थोपास की जो टेल है वो चौसर खुद नरेट करता है यह चौसर की टेल है नरेटर अबाउट हिज अपियंस आस्खिम टू टेल ए टेल अब चौसर कहानी सुनाता है ये टेल ऑफ सर थोपास की सर थोपास राइड करते हैं और एक क्वीन है उससे शादी करने के लिए लेकिन बीच में क्या होता है एक जाइंट आ जाता है एक मॉन्स्टर आ जाता है उनसे वो लड़ने के लिए जाता है तो जैसे ही लड़ाई होने वाली है खून खराबा होने वाला है तब जो होस्ट है हेरी बेली, वो चौसर को बीच में रोक देता है नो मोर नो मोर ऐसे बोलता है और फिर चौसर को वो डांटता है ठीक है कि तुम्हें तुम कितनी गंदी राइम सुनाते हो तुम्हें राइम नहीं आती है तो इस स्टोरी को यहीं पे बंद करो और कोई अच्छी सी प्रोज की टेल सुनाओ तुम तो ये जो टेल है इसलिए ये अनफिनिश्ड रह जाती है क्यों रहती है क्योंकि होस्ट इसको बीच में रोक देता है कि रुक जाओ तुम्हें राइम नहीं आती तुम कोई स्टोरी अब नरेट मत करो जो वर्ष में हो अब तुम स्टोरी नरेट करो कोई प्रोज में तो फिर वो एक प्रोज टेल को नरेट करता है और वो टेल है टेल ऑफ मेलिबी ठीक है टेल ऑफ मेलिबी को नरेट करता है चौसर की ये सेकंड टेल है काफी लंबी है ये मॉरल एंड प्रोज स्टोरी ऑफ मेलिबी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोज में है ये टेल अब मेलिबी की हाउ घर में एक रेड पड़ती है और कुछ लोग आते हैं जो इसकी वाइफ को प्रूडेंस नाम होता है इसकी वाइफ का प्रूडेंस को पीट देते हैं ये और घायल करके भाग जाते हैं वहां से और इसकी डॉटर को तो जब वापिस जब घर में आता है ये मेलिबी मैली भी जब घर में आता है तो वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं किस टॉपिक को लेके वो ये नहीं करते कि आगे क्या सोल्यूशन हो, होना चाहिए इस चीज का लेकिन वो इस बात पे लड़ पड़ते हैं वो बहस करते हैं और बहस बहस में स्टोरी बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है ठीक है तो ये स्टोरी है इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ आपको नाम याद करना है ठीक है नेक्स्ट आती है उसके बाद पार्टनर टेल पार्टनर की जो टेल है इसकी थीम है ग्रीड Grade is the root of evils. ये इसकी थीम है ग्रीड इज द रूट ऑफ एविल्स ये स्टोरी है इसमें तीन दोस्त होते हैं एक साथ और इनका जो एक चौथा फ्रेंड है उसके बारे में इनको पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई है और उसकी डेथ के बारे में जब ये जानने के लिए जाते हैं कि इसको किसने मारा है तो एक बूढ़ा आदमी इनको मिलता है वो बोलता है कि डेथ नाम का एक चोर है उसने इनको मार दिया है तुम्हारे दोस्त को मार दिया है वो कहते हैं कि हम इस डेथ नाम के चोर को मार देंगे हमें बताओ कहा मिलेगा वो तो वो बूढ़ा आदमी उनको बोलता है कि गांव से बाहर एक ओक ट्री है तुम वहां पे जाओ उसके नीचे जो है वो वो तुम्हें डेथ डेथ मिल जाएगी तो लोग जाते हैं उस नाम के चोर को ढूंढने के लिए तो जाते हैं तो वहां पे उनको क्या है दस बारह कोई सोने के बड़े बड़े कैट्स के ए, कैसकेट्स मिल जाते हैं तो वो खुश होते हैं इस चीज को देखकर कि हाँ सोना मिल गया लेकिन साथ में ही लालच भी आ जाता है अब वो तीनों है अब दो एक साथ में मिलके बोलते हैं छोटे एक जो सबसे छोटा लड़का होता है उसमें से उसको बोलते हैं कि तुम गांव में जाओ और कुछ खाने पीने के लिए ले आओ भूख बहुत ज़्यादा लगी है ठीक है बाद में हम इस सोने को बांट लेंगे तो अब छोटे वाला गांव में चला जाता है कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए तो अब वो दोनों हैं वो दोनों प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हम दोनों इसको बांट लें इसके तीन हिस्से ना करने पड़े क्यों ना हम उस छोटे वाले को मार दें कहता ठीक है चलो उसको आने दो आते ही हम उसको मार देंगे अब छोटे वाला जो है वो क्या करता है उसके मन में भी ऐसे ही षड्यंत्र चल रहे हैं कि कैसे न कैसे करके मैं इस जितना भी सोना है पूरे सोने को हड़प लू अब क्या करना चाहिए उस वो क्या करता है वाइन लेता है खाने के लिए लेता है और उसमें जहर मिला देता है और वो लेके जाता है उनके पास जैसे ही वो जाता है वो दोनों अटैक कर देते हैं उस छोटे लड़के पे उसको मार देते हैं लेकिन छोटे वाले ने तो पहले ही जहर मिलाया हुआ था उसमें तो उनको तो नहीं पता था कि जहर मिला रखा है और फिर बाद में वो उस वाइन को पी लेते हैं और जो खाने के लिए लेके गया था उसको खा लेते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी में पॉइजन फैल जाता है और उन दोनों की डेथ हो जाती है पहले उस छोटे वाले को इन्होंने मार दिया अब उन दोनों की डेथ हो गई भाई तीनों को मिल गई डेथ डेथ को ढूंढ रहे थे वो ठीक है ये स्टोरी है मतलब ग्रीड लालच के चक्कर में तीनों मारे जाते हैं ग्रीड इज द रूट ऑफ एविल्स राइट नेक्स्ट नन प्रिस्टेल ये स्टोरी जो है वो बीस्ट फेबल है बीस्ट फेबल मींस जो एनिमल्स की फॉर्म में लिखी जाती है एनिमल इमेजरी को दिखाया जाता है उसको बोलते हैं बीस्ट फेबल ठीक है और ये चन्टिक्लेयर एंड द फोक्स के बारे में है चन्टिक्लेयर द रूस्टर इज कैरिड बाय द फ्ल्टिंग फोक्स चन्टिक्लेयर एंड द फोक्स के बारे में है ये स्टोरी जो फोक्स का नाम है इसमें डोन रसल हीरो वे में नाम दिया गया है डॉन रसल ये इसका नाम है तो इसकी बहुत सारी चन्टिकलेयर नाम का जो मुर्गा होता है काफ़ी सारी वाइफ होती है उसकी सात आठ वाइफ है उसमें से इसकी एक फेवरेट है जिसका नाम है पर्टोलेट पर्टोलेट उसकी फेवरेट वाइफ है तो ये डॉन रसल क्या करती है उसको अपने मीठे मीठे गीत सुना के उसको उलझा लेती है और उसको ए, उठा के ले जाती है अपने मुंह में तो वो पीछे पीछे भाग रहे हैं जितने भी और जो दूसरी जो मुर्गिया है उसकी वो पीछे भाग रही है उसको छुड़वाने के लिए तो अब ये जो चन्टिकलेयर है ये इस डॉन रसल फॉक्स को बोलता है कि तुम कितना अच्छा गाना सुनाती हो ठीक है तो तुम उनको भी अपनी बातों में ले सकती हो तो उसको प्रेज करने की कोशिश कर रहा है जैसे ही वो बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है वो चंटिकलेयर उसके मुंह से छूट जाता है और उड़ के एक पेड़ पे बैठ जाता है ठीक है फिर वो उसको बोलता है कि अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूं तो इसका यहाँ पे थीम क्या है नेवर ट्रस्ट ए फ्लेटर ठीक है ये तीन चार नाम याद रख लेना एक पर्टोलेट एक चंटी फोक्स का नाम है डोन रसल ठीक है ये बीस्ट फेबल स्टोरी है राइट नेक्स्ट आती है उसके बाद सेकंड नन टेल सेकंड नन एक्सप्लेन करती है एक सेंट के बारे में सेंट सिसिलिया सेंट सिसिलिया एक माइटर ऑर्गन प्लेयर थी पुराने टाइम की बहुत ही फेमस इंस्ट्रूमेंट प्लेयर थी ये सेंट सिसिलिया इसके बारे में जो ये हेजियोग्राफी है सेकंड नंटेल की हेजियोग्राफी ऑफ सेंट सिसिलिया सेंट सिसिलिया के बारे में है ये ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ आपको इतना ही याद करना है कि सेंट सिसिलिया के बारे में जब ड्राइडन के वर्क्स को हम पढ़ेंगे तब आपको सेंट सिसिलिया के बारे में मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि ये कौन थी किसके साथ ड्राइडन ने इसको कंपेयर किया है दो ऑर्गन प्लेयर है उसके साथ कंपेयर किया है दो वर्क्स लिखे हैं इस पे सेंट सिसिलिया के बारे में सिर्फ अब आपको नाम याद रखना है कि एक ऑर्गन प्लेयर थी नेक्स्ट आती है उसके बाद पार्सन टेल ठीक है पार्सन की जो टेल है वो सेवन डेडली सिन के बारे में है डेडली कौन कौन से सेवन डेडली सिन है प्राइड देखो अवॉइड करने की बात हो रही है सेवन डेडली सिंस दैट मैन मस्ट अवॉइड प्राइड एनवी एंगर स्लोथ एवराइस ग्लटनी एंड लेस्ट्री इन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए ये एक मॉरल मैसेज दिया है यहाँ पे पार्सन ने ठीक है और ये एक कोई इसको ये रिफ्यूज करता था कि कोई फिक्सनल स्टोरी ना सुनाए क्योंकि ये अगेंस्ट के रूल हो जाएगी ठीक है जो सेंट पॉल ने सेट किया था जो रूल तो तब फिर जाके ये एक लेंथी ट्रिटाइज देता है किसके बारे में सेवन डेडली सिंह के बारे में ठीक है तो ये है हमारी जो टेल है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेल थी इतनी आपको याद करनी है उसके अलावा जो आपके जो नोट्स आपको मिले हैं उसमें कुछ डॉक्टर ऑफ फ़िजिक्स के बारे में हो गया जैसे ठीक है एक दो जो कैरेक्टर और हैं उनके बारे में एक आधी लाइनें और मिल जाएंगी लेकिन उनकी स्टोरी आपको नहीं पढ़नी है स्टोरी जो मैंने आपको बताई है ये ही आपको पढ़नी है राइट और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे अगले में हम जो पोस्ट सेक्सपी चौसेरियन जो, जो ड्रामा है या जो पोइट्री है उनको डिस्कस करेंगे सो so, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बी सेफ स्टे कनेक्टेड बेस्ट ऑफ लक गॉड ब्लेस यू